जी शेख लेट मी आस यू दिस ब्लंटली एंड अदर ब्रदर्स आर सींग मैं क्या पूछने लगाऊँ बट क्वेश्चन बहुत वैलिड है बहुत से लोग hmm. पूछते हैं इज़ वॉचिंग पर्नोग्राफी मेजर सिन जिसमें रहीम रही भाई आ, इमाम इबिन हजर अल टेंथ सेंचुरी ऑफ इस्लामिक कैलेंडर स्कॉलर हैं और uh, इन्होंने बाकायदा मेजर सेंस को लिस्ट डाउन किया है और उनमें से उन्होंने एक मेजर सन जो है वो किसी नॉन महरम को शहावत के साथ यानी डिज़ायरफुल या लस्टफुल नज़रों के साथ देखना उसको कंसिडर किया और ये कहते हैं कि इस बारे में हमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए कि ये एक मेजर सन है और अल्लाह ताला की नाराज़गी का मौजब है और अगर किसी बंदे के जहन में ये ख्याल आए कि ये कोई माइनर सन है तो लमा कहती हैं उसको अपने आप को ये कहना चाहिए और याद दिलाना चाहिए कि इवन अगर आप इसको माइनर सन भी कंसिडर कर भी लें फिर भी किसी चीज़ के बारे में कंसिस्टेंसी माइनर सन को मेजर सन बना देती है hmm. तो इसमें खुलासी वाली बात यह है कि मेजर सन और मेजर सन वही है जिसके लिए कोई ना कोई सज़ा है क़्यामत के रोज़ और ऑब्वियसली ये जिन गुनाहों की तरफ लेके जाता है वो इतने बड़े बड़े, बड़े गुना हैं जैस yes. कि दे आर ऑफकोर्स सुबहानल्ला उस पर मैं आगे भी डिस्कशन होगी कि अल्लाह ने जो सज़ाएँ उनके लिए रखी हैं सुबहानल्ला वो हम इमेजन नहीं कर सकते so I think this is Allah Allah तो लेकिन चले हमें समझ आ गई ये मेजर सिन है बट सो मैनी पीपल आर इन्नी पीपल एज इफ के हर घर में आग लगी हुई है बल्कि मुझे वो एक वीडियो भी याद आ गई एक पेट गोट के नाम से वीडियो है यूट्यूब पे उसमें उन्होंने कुछ ड्राइंग्स के थ्रू सबलिमिनल मैसेजेस दिए एक ड्राइंग ये थी कि हर घर में आग लगी हुई है Hmm. और वो आग से मुराद यही थी कि पर्नोग्राफी एडिक्शन एंड पीपल आर इन्वॉल्व इन लस्ट बिल्कुल थिंग्स लाइक दैट और आपने कहा कि इसके इम्पैक्ट तो बहुत ही डिजास्टरस है बट शेख डोंट यू थिंक के पीपल विल गेट होपलेस व्हेन वी से इट्स अ मेजर सेन इट इंक्रीजेस द गिल्ट बिकॉज सो मेनी पीपल आर इन्वॉल्व मतलब अभी मैं खोल के दिखा दूँ आपको वाई का चैनल hmm. या हमारी ई आप ही खोल लें खोल लें मेरा तो ख्याल सबसे ज़्यादा यही इशू पूछा जाता तो, uh, what to do? है तो वट टू डू आग लगेगी हर जगह आग अच्छा अरे भाई इसमें ना जो आपने होपलेसनेस की बात की ना मैं मैं बिल्कुल समझता हूँ इस बात को होपलेसनेस आम तौर पर बहुत ज़्यादा पाई जाती है लोगों के यहाँ और ख़ास तौर पर जैसे सवाल होते हैं क्वेश्चंस होते हैं इस हवाले से और मेरा ख्याल है कि वो होपलेसनेस के पीछे एक फॉल्स नोशन है और वो फॉल्स नोशन और बिलीफ ये है कि हम इसको कंट्रोल नहीं कर सकते मैं एडिक्ट हो चुका हम मैं एडिक्ट हो चुका हूँ ये हमें ना माइ ये थिंकिंग चेंज करने की ज़रूरत है और टू बी वेरी ऑनेस्ट मैं भी ये कॉमन नैरेटिव है हम बार बार कहते हैं यार शहवा बहुत ज़्यादा हैं इस दौर में कंट्रोल करना ऑलमोस्ट नेक्स्ट टू इमपोसिबल है एंड स्टफ़ लाइक दैट मेरे ख्याल है एक नेगेटिव अप्रोच है hmm. इससे ये होता है कि इससे होपलेसनेस भी आती है और इससे ना अनरियलिस्टिक रियलिस्टिक बंदा अपने से भी एक्सपेक्टेशंस भी रख लेता है अगर इसको ओवरकम करना है यानी वो कहता है कि अगर मैंने फॉर एग्जांपल इसको ओवरकम करना है तो शायद मुझे किसी और दुनिया में रहना पड़ेगा hmm. जाके लेकिन रियलिटी ये है कि देर आर पीपल और मैं लोगों को जानता हूँ हमारे अपने एक्सपीरियंसेस रहे हैं मैंने इस बात को नोट किया ऑल दो ये मुश्किल है इट्स अ चैलेंज इसमें कोई शक नहीं है लेकिन ये समझना कि इसको कंट्रोल नहीं किया जा सकता और इसको ओवरकम नहीं किया जा सकता और ये जो है हमारे यानी

Uh, कि वो इस चीज़ से निकल आए रबी आई वाइक टू आस यू कि आप uh, काफ़ी मिलते रहते हैं हमारे वॉल्टियर हैड भी हैं माशाला तो यूथ आपसे काफ़ी मिलती है आपने कोई यूथ रिसेंटली देखे यंगस्टर्स की बात कर रहा हूँ नॉट पीपल ऑफ आर एज जो मैरिड हैं यंगस्टर्स अनमेरिड जो इस चीज़ से बचे हुए हैं हु कैन बी एन इंस्परेशन फॉर अदर्स देखे हैं आपने कोई सक्सेस स्टोरी अपनी रिसेंटली रिसेंटली uh, uh, तो नहीं लेकिन कुछ अर्सा पहले एक uh, जो है वो टीन एजर से मुलाकात हुई जो आप समझ लेंगे अभी अडल्ट में अभी एंटर हो रहा था तो उसने अपनी चीज़ें शेयर की मेरे साथ और बड़ी uh, इंस्पायरिंग थी स्टोरी कि किस तरह वो इस चीज़ में आया और इस तरह उसने अपने आप को छोड़ा लेकिन उसका जो अगर मेन क्रक्स आप समझ अगर मेन क्रक्स मेरे से पूछे ना वो क्रक्स यही था कि उसने ये रियलाइज़ कर लिया था कि ये मेरे लिए प्रोडक्टिव नहीं है क्योंकि उसने प्रोडक्टिविटी को समझा पहले कि मेरी ज़िंदगी में टाइम वेस्ट हो रहा है ऑब्वियसली उसकी स्टडी इफेक्ट हो रही थी बहुत ज़्यादा आपको पता है कि बहुत ज़्यादा इफेक्ट्स हैं इसके कॉन्सिक्वेंस डोरेस्टिक किस्म के हैं तो उसने सोचा ये कि मुझे अपने आप को प्रोडक्टिव बनाना है और फिर उसने लेस डाउन किया कि अब मैं ये ये काम करूँगा तो मेरी प्रोडक्टिविटी इनहस हो जाएगी और मेरी मेरे रिजल्ट अच्छे इच, आने लग जाएंगे जिसमें उसकी स्टडीज भी हैं उसका लोगों के साथ बिहेवियर भी है उसका, साथ भी है, उसका अपने साथ क्या बिहेवियर है उसके सेबलिन के साथ उसके पेरेंट्स के साथ उसके टीचर्स के साथ क्या बिहेवियर है ऑफिस बिहेवियर बहुत ज्यादा अफेक्ट करता है इस चीज़ के साथ तो उसने अपने आप को विद पैसेज ऑफ टाइम चेंज किया और उसने फीडबैक लेना शुरू किया अपने इर्द गिर्द के लोगों से मतलब कि उसने दो वीक अपने पे काम किया और उसके बाद उसने फीडबैक लिया hmm. अपने स्पेशली से 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 पेरेंट्स और 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 अपने जो उसके थे और फिर उसने लिस्ट डाउन किया कि अब कौन-कौन सी चीजें मुझे और बेहतर करनी चाहिए hmm. लेकिन hmm. उसको it, like, उसको तकरीबन इट लाइक से ज़्यादा लगे इस चीज़ को कंट्रोल करने के लिए। और डू यू थिंक कि आज के दौर में जैसे मोहिरा ने कहा कि लोग ये कहते हैं कि हम नहीं बच सकते बट डू यू पर्सनली थिंक आज के दौर में एक टीन इस गुनाह से बच सकता है जी एब्सोलुटलीटली बच वाई डू थिंक दैट देखें इवन जब हम ग्रोइंग थे ना कुछ हम जानते थे कुछ लड़कों को ठीक है ना और दे वन दे से समथिंग वी रियली आप बिलीव कर सकते थे कि ये जो बंदे कह रहे हैं ये सच कह रहे हैं और उन्होंने अपनी स्टोरीज़ ये शेयर की थी कि भी मैंने मैंने एक दफ़ा भी नहीं किया या ना देखा ना ये किया वो किया और वो उनका मैंस लेवल ऑफ कंट्रोल बाकी उनकी एक्टिविटीज़ में भी नज़र आता था यू कैन ट्रस्ट अब लोग ना बहुत ज़्यादा आप इल्ज़ाम लगाते हैं कि इट कैन बी यू आर लाइंग और ये वो चीज़ें या इस तरह की चीज़ें या एक्सपोज नहीं हुआ देखें इवन इफ अगर हम कहते हैं कि वो बंदा एक्सपोज हुआ या कोई भी हुआ ठीक है ना उसके पास ये अबिलिटी बिल्कुल है क्योंकि बाकी जिस तरह अगर फ़र्ज करें कि आदतात हैं या इम्पल्स कंट्रोल है या इस तरह की चीज़ें हैं उनसे रिकवरी हो सकती है तो ये भी कोई उस कोई अनोखी चीज़ नहीं है कि जिसे कंट्रोल हो सके और स्पेशली टीन बल्कि मैं कहता हूँ कि जो टीन ईयर्स हैं उसमें ज़्यादा ज़्यादा ईजी है हुँ. मैं ये कहूँगा हालांकि लोग कहते हैं कि ये मुश्किल है लेकिन टीन ईयर्स में इसको कंट्रोल करना भी ज़्यादा ईजी है उसकी वजह से कि जो बच्चा है ना उसके पास बहुत ज़्यादा वो मतलब यानी एक्टिव एक्टिविटी एक्टिव ब्रेन होता है उसमें ये होता है उसके पास सेल्फ़ कंट्रोल और उसकी भी एबिलिटी जो है काफ़ी ज़्यादा होती है hmm. जो बंदा एक्शन ओरिएंटेड जितना ज़्यादा होता है ना उतना ज़्यादा उसके पास एबिलिटी होती है अपने ऊपर कंट्रोल करने की अपनी चीज़ों को और अपनी आदात को सेट करने के लिए अपने फॉर्मेटेबल फॉर्मेडिबल ईयर्स के अंदर hmm. बाद में वो चीज़ें पक्की भी हो सकती हैं ठीक है इवन दो hmm. बाद में भी छुट सकती हैं लेकिन वैसे कह रहा कहना कि जो ये प्राइम टाइम होता है आइधर आप वो वेल well में जंप करेंगे या फिर आप उसे बाहर निकल करेंगे वेरी होपफुल अली तो भाई आई विल लाइट हेयर कि जिस तरह इस तरह का जो क्वेश्चन है ना मेरे से पूछते हैं वॉल्टियर्स भी पूछते हैं और भी कोई जो जनरल क्यूरीज के लिए लोग आते हैं वही पूछते हैं तो मैं उनको ये कहता हूँ स्पेशली जो इस एज के हूँ टीन एजर्स को मैं ये बात करता हूँ एडवाइस भी करता हूँ स्कूल में भी जब था कि आपकी जो एज है वो लर्निंग की एज है जो भी लर्न करेंगे वो आपकी हैबिट डेवलप हो जाएगी और इसमें अगर आप प्रोडक्टिव चीज़ें लर्न कर लेंगे ऑब्वियसली आप ऐड कर लेंगे एक्सरसाइज कर लेंगे स्पोर्ट्स कर लेंगे और अपनी एनर्जीज को एक चैनल एनर्जीज को अपने चैनलाइज करना है हम चैनलाइज नहीं करते अब एनर्जी जितनी ज़्यादा है बच्चा कहता है मैं क्या करूँ अगर बच्चे के पास पेरेंट्स उसको अगर नहीं फोकस दे रहे हैं या उसके ऊपर कोई जो है अटेंशन अटेंटिव ही नहीं है पेरेंट्स तो ऑबियसली बच्चा घर पे उसके पास सिर्फ एक एक्टिविटी है वो फ़ोन की एक्टिविटी है अब वो इसको मैक्सिमम तरीके से अपनी एनर्जी यहाँ पे लगाएगा अगर वो अपनी एनर्जी चैनलाइज कर लेगा स्पोर्ट्स में कर लेगा डिफरेंट एक्टिविटीज़ हैं अलहमदिल्ला इस एज के अंदर तो उसका ब्रेन ये लर्न कर लेगा कि तुमने ये चीज़ें करनी है विद द पैसेज ऑफ टाइम hmm. लेकिन अगर वो इस एज में पूरे दो तीन साल तक यही काम करता है घर जाता है फ़ोन यूज़ करता है पेरेंट्स के लिए उसका ब्रेक टाइम क्या है फ़ोन hmm. उसने स्टडी कर ली अब आप गेम्स खेल लो स्टडी कर ली अब आप फोन इस्तेमाल कर लो तो वो बार बार एक्सपोज हो रहा है फ़ोन के साथ और अपनी एनर्जी मैक्सिमाइज तरीके से यूटिलाइज़ कर रहा है फ़ोन के साथ hmm. तो पेरेंट्स भी और अगर हम लोग भी उनको डायरेक्ट कर सकें कि अपनी एनर्जी को चैनलाइज करें अच्छे तरीके से तो ऑबियसली बेहतरी आएगी क्योंकि उसका ब्रेन उस एज में तीन चार साल पाँच साल तक ये लर्न कर चुका होगा कि जब भी आपके अंदर पावर आपके अंदर एनर्जी है तो आपने यही एक्टिविटीज़ करनी है और फिर अपने आप को अपने एनर्जीज़ को ड्रेन hmm. करना है मुहिरा इन्होंने बड़ा अच्छा दोनों ने एक पॉइंट मेंशन मैं टीन एज में जो है ना वो ज़्यादा एक सेल्फ कंट्रोल और क़ुत भी ज़्यादा होती है इफ़ देर इज चांस टू गेट इन टू लस्ट देर इज ऑल्सो चांस टू कंट्रोल इट और मैं तो इसको उस हदीस की रोशनी में देखता हूँ कि ये एक बीमारी है दैट्स फॉट श्योर और इसको हम बीमारी ही ट्रीट करें तो बेहतर है और रसूल वसल्लम ने कहा कि अल्लाह ने कोई भी बीमारी नहीं भेजी कि उसका इलाज भी मौजूद है कॉन्टैक्सट हदीस का ऐसे ही है तो मैं तो इसको देखता हूँ कि इसका भी इलाज डेफिनेटली मौजूद है वट डू यू थिंक क्योंकि हम काफ़ी ये मैंशन तो करते रहते हैं कि बड़ा फितना है बड़ा फितना है लेकिन सोलूशन और ज़रा कम होता है तो मैं चाहता हूँ आज हम प्योर इसको सोल्यूशन ओरिएंटेड बनाए डिस्कशन तो टीन पहली तो बात हम ये डिस्कस करें कि ट्रिगर्स क्या हैं ताकि उनको थोड़ा सा पता भी लग जाए आई बिलीव लोनलीनेस इज़ ट्रिगर और इसके साथ आप ऐड कर लें बोर्डम को बोरडोम को यस लोनलीनेस बोरडोम फिर शैतान ऐसे इन्वॉल्ड है कि कोई फ्रस्ट्रेटिंग इवेंट हो hmm. कोई एंग्री uh, अप हो जाए किसी बात पर पेरेंट्स की कोई बात बुरी लगे तो इंस्पाइट ऑफ इमोशनली बाई शोइंग इमोशनल इंटेलिजेंट टैक्लिंग दैट इवेंट या बाई मेकिंग दो आर टू अल्लाह अल्लाह मेरे मामला ठीक कर दे शतान आपको इस तरफ ले जाता है कि भाई तेरे तो हालात ही खराब हैं लिहाजा वो होता है ना को टॉर्चर करना तो को पनिश करने के लिए भी इस तरफ चले जाते हैं ट्रिगर आई बिलीव टीवी और स्पेशली जो सॉन्ग्स हैं बॉलीवुड सॉन्ग्स तो जिस तरह के आजकल बन रहे हैं अल्लाह माफ करे वो तो आपके सामने है यूथ बताती रहती है उनके लिरिक्स किस तरह के हैं ऑडियो पोर्नोग्राफी है पूरी और ऊपर से उनकी वीडियोस किस तरह की हैं तो लोग जिम में जाते हैं बताते हैं जिम में भी ये चीज़ें लगी होती हैं बहुत ही फजूल वीडियोस लगी वो कहते हैं इसके बगैर एक्सरसाइज नहीं हो सकता <laughs> 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 तो मैं चाहता हूँ आप भी थोड़े ट्रिगर्स हमारे यूथ को ताकि वो आइडेंटिफाई कर लें कि अच्छा ये ट्रिगर्स हैं इस्लामिकली क्या ट्रिगर्स हैं कुरान और हदीस में कुछ ट्रिगर्स मैंशन हैं इसके uh, अली भाई जो आपने पहली बात की ना मैं थोड़ा सोचाता हूँ कि उस पर हम डिस्कशन कर लें आपने इवन दो पॉइंटर दे दिए बट आई थिंक दैट्स द मेजर कॉज और वो है बेसिकली आइसोलेशन खामोश लोनलीनेस और अपने आप को बिल्कुल आइसोलेट कर देना एक अच्छी कंपनी से टू बी वेरी ऑनेस्ट अगर हम देखते हैं कि ज़ाहिर हम लोग भी टीनज से गुजरे हैं एंड अ लॉट ऑफ चैलेंजेस जो हमें फेस करने पड़े ख़ासतौर पर हम लोग जो को एजुकेशन में पढ़े हुए हैं तो वी अंडरस्टैंड okay. के हाउ यू नो ये किस तरीके से okay. डिजायर्स आपको ओवरकम करती हैं बेसिकली सबसे बड़ी रीज़न ये है कि जब आपका दिमाग आपका एमटी है ना hmm. आजकल का बच्चा है वो यू नो ही इज़ कॉन्स्टेंटली लुकिंग आफ्टर समथिंग यू नो कोई ऐसा स्टिमुलस हो hmm. जो उसको प्लेजर प्रोवाइड कर सके जिसे कहते हैं ना डोप अंदर वो डोपा मैन वाली जो कहानी hmm. आप सुनाते hmm. हैं आमतौर पर <laughs> तो ये जो प्लेजर सीकिंग है जो एक किस्म का हमने अपने आप को डिवेलप कर लिया कि वी हमारे अंदर वो जो एक थी ना Uh, एक सीरियसनेस uh, थी मेचोरिटी जो हम एक्सपेक्ट करते थे शुरू से कि यार नॉट ऑलवेज यू हैव टू रन आफ्टर द प्लेजर कॉन्स्टेंट प्लेजर के आप जो है ना वो ले रहे हैं डोजेज ले रहे हैं और उसके बाद डेफिनेटली जब बंदा थोड़ा सा भी मैंने देखा है कि इस चीज़ से आए, आ, यानी आइसोलेट होता है अपने आप को आइसोलेट करता है so, और वो देखता है कि जैसे पढ़ाई करनी पड़ गई उसको hmm, hmm, hmm. अब ही ही लुक्स फॉर समथिंग प्लीजिंग अब वो नेचुरली ना उसका दिमाग उसको इस तरफ लेके जाता है कि यार अपने आप को प्लेजर प्रोवाइड करो किस तरीके से एंड इसमें कोई दूसरी राय नहीं है कि जब भी हम कोई सीरियस काम करना शुरू करते हैं तो हमारा दिमाग ऑलरेडी ना एक रिवॉर्ड सिस्टम की तरफ जाता है सही। अब पढ़ाई के अंदर रिवॉर्ड सिस्टम क्या है यानी आपने पढ़ा है तो ठीक है वो आपको एक कॉन्फिडेंस मिलता है ओवरकम यू नीड अ इमीडिएट रिवॉर्ड तो मैंने ये देखा है कि बहुत सी रीज़न् बच्चे बहुत ज़्यादा अपने आप को समझते हैं कि वी आर ऑक्यूपाइड एंड दे डोंट हैव दैट प्लीजिंग वेज यानी दे डोंट हैव दो उस वेज के जिसमें अपने आप को प्लीज कर सकें एक अच्छे और राइट वे वे में तो नेचुरली वो फिर इन चीज़ों की तरफ जो है ना वो फिर फ़ायदा उठाते हैं कि ना वी वे उनका दिमाग ऑटोमेटिकली उस चीज़ की तरफ लेके जाता है तो मैं समझता हूँ कि आइसोलेशन और अकेले रहना और अपने आप को फिर इसकी वजह से लोनलीनेस ये ये चीज़ें ना सबसे ज़्यादा पावरफुल हैं hmm. जितना इंसान सोशलाइज़ करता है जितना इंसान अपने भाइयों के साथ उनकी मजलिस में रहता है फ्रेंड्स के साथ रहता है और देखें वही वाली बात है थेरेपीज़ के अंदर भी वो ये कहते हैं कि कभी भी फोनोग्रफी के अगर आप एडिक्ट हैं या, या यू आर एक्चुअली यू नो आर टू कंट्रोल तो अपने आप को कभी भी ना वो वाला टाइम ना दें hmm. hmm. यानी अपने आप को आइसोलेशन में अकेलापन ना दें सही। दूसरी एक और चीज़ में जो देखता हूँ वही होता है कि बाज़त हमने ना कुछ हमारे ट्रिगरिंग पॉइंट्स होते हैं जैसे आपने कहा ना जो हमें ट्रिगर करते हैं चीज़ें इवन कुछ जगह ऐसी होती हैं मिसाल के तौर पे घर के अंदर ऐसी जगह पे कंप्यूटर पड़े होना या ऐसी जगह के अंदर आपका बैठना बहुत ज़्यादा जहाँ पे कोई और बंदा नहीं देखा या आपकी स्क्रीन जो है वो दूसरों की तरफ से छुपी हुई है तो ये नेचुरल चीज़ें होती हैं जिसमें शैतान आपको नेचुरली या फिर इस तरीके से पेरेंट्स का बाहर चले जाना और घर में अकेले होना विद इंटरनेट ये एक नेचुरल ट्रिगर पॉइंट्स हैं जो हर बंदा यानी चाहे कोई भी बंदा हो उसको आता है हाँ ये अलग बात है वो आगे कंट्रोल कर लेता है वो अपने आप को पॉजिटिवली उसको यूज़ कर लेता है वरना नेचुरली ये वो वनरेबल पॉइंट्स और कंडीशन हैं जहाँ पे हम आप अपने आप को जो है ना फिसलता है इंसान आई थिंक कि ये कुछ जगह जो है ना ये हैं जिनको हमें थोड़ा सा ना कैटर करने की ज़रूरत है डू यू थिंक आज के दौर में में क्या क्या आपके ख्याल बिगेस्ट ट्रिगर चाली भाई मैं यहाँ पर ना आपको अपनी थोड़ी सी स्टोरी अपनी जो मेरी पर्सनल स्टोरी है उसे भी थोड़ा सा आइडिया दे देता हूँ कि जब मैं एज अ यंग पर्सन मैंने इसको किस तरह टैकल किया और mm -hmm. अपने आप को ट्रेन किया ऑल दो जब हम, हमारे ग्रोइंग ईयर्स थे ना हमारे पास ये अपॉर्चुनिटीज कम थी मैं एडमिट करना पड़ेगा मुझे so, uh -huh. और so, हमार हमारे मोबाइल इंटरनेट हाँ हमारे पास कंट्रोल के लेकिन इवन दो मैं हम मेरे पास आई थिंक टू या उससे पहले ही मेरे पास फोन तो आ गया था मतलब यानी स्क्रीन जिसके अंदर इंटरनेट और जिसमें वो वाली चीज़ें मैं वैसे कह रहा हूँ उसके बावजूद जो है ना उसका मैं जो मेथड मैं जो मैंने पर्सनली यूज़ किया था ना वो ये था कि आपने अपने आप को एक किस्म का साइकोलॉजिकली ट्रेन करना होता है

मीडिया की इसकी ये की मुझे इस तरफ लेके जाना चाह रही है मैं आ जाऊँ इसकी बातों में hmm. इतनी आसानी से आ जाऊँ hmm. ठीक है ना नहीं आई हैव टू रिबेल और वो मैंने जो अपनी रिबेलियस नेचर और वो जो आप क्या कहते हैं कि कॉन्ट्रेजन एबिलिटी है ना उसको ट्रिगर किया Sorry. ठीक contrarian है नीचर कॉन्ट्रेरियन नेचर को <laughs> और उसमें यह था कि वो मैंने इस चीज़ पर ट्रिगर किया के मतलब यानी वाई क्यों क्यों वाई शुड आई लेट इट ठीक है ना ठीक है वो आ रहा है मैं मे, अगर मेरे सामने कोई क्यू आता भी ना तो उसके बाद मैं अपने बा, माइंड को कहता कि मैं वाकई में कमज़ोर हूँ आई एम नॉट वीक मैं अपना ब्रेन को क्यों उनके हाथ में दूँ ठीक है ना आइधर वो मीडिया हो आइधर वो ऑडियो हो आइधर वो कोई भी क्यूज़ हो ठीक है hmm. और क्यूज़ क्या होते हैं प्राइमरी क्यूज़ दो किस्म के होते हैं एक ऑडियो होता है और एक होता है विजुअल uh, ठीक है ना okay. ये दो क्यूज़ हैं आइधर ए, एक विजुअल फॉर्म में आपके पास ये क्यू आएगा या ऑडियो फॉर्म में ये क्यू आएगा आपके पास इन दोनों तरीकों से ये ब्रेन की जो एक्टिविटी है वो इसमें ट्रिगर होनी होती हाँ, है ठीक है हाँ, हाँ. और आ, मैं कहता हूँ अलहमदल अल्लाह ताला ने भी इसी चीज़ को सबसे पहले आपको ये जो विजुअल क्यू है इस मामले में उसको कंट्रोल करने के लिए कहा hmm. अब विजुअल क्यू hmm. क्या होते हैं विजुअल क्यूज़ जो हैं वो अदर दैन मीडिया भी म्यूजिक हो गया आपका हाँ म्यूज़िक तो ऑडियो हो गया न ah, तो visual. जो विजुअल में आया है ना विजुअल के अंदर ये भी है कि अगर आप जा रहे हैं कैसी कैसी जगहों पर जा रहे हैं अगर आप मार्केट्स में जा रहे हैं अगर आप वहाँ वॉक कर रहे हैं वहाँ पर वो सारी चीज़ें छोटे छोटे यूनिवर्सिटीज यूनिवर्सिटीज वो तो जो आजकल माहौल चल रहा है यंगस्टर्स आते हैं मेरे पास जस्ट टू एड और वो रोते हैं आके बिल्कुल वो कहते हैं कि जो ड्रेसिंग हमें नज़र आती है वो हम नहीं। नहीं। ऐसी बात करें तो आगे से वो सिस्टर्स वो आगे से कहती हैं कि नहीं ये तो आप नजर तो आपका मसला है तो वो अब कैसे बंदा समझाए वो तो मेल्स ही आके बताते हैं ना वही समझते हैं देखिए इवन इफ अगर अगर इस मौके पे आप मौजूद हैं आपको डाल दिया गया आप समझो कि हाँ जी मेरा ही मसला है ठीक hmm, hmm. है आप समझेंगे हाँ ठीक है मेरा ही मसला है मैंने क्यों नहीं कंट्रोल किया क्योंकि आप hmm. वो तो नहीं कर सकते अभी करंटली आप क्या किसी को दूसरे को कंट्रोल कर सकते हैं hmm. अगर नहीं कर सकते आप अपने ऊपर लें आप अपनी सेल्फ कंट्रोल को और मजबूत करें है. इस नेचर के साथ किसी दौर में आ, हया, इसका ताल्लुक समझा हयात से भी बड़ा है क्योंकि माई चाइल्डहुड एंड माई सेल्फ ड्यूरिंग टीन एज तो इतनी हयात थी कि जैसे वो आपको भी याद होगा कि मूवी में में कोई सीन आ जाए बचपन देखते थे के साथ तो इतनी हया थी कि यार नहीं बस आगे कर दो या नज़रें झुका लो देखा ही नहीं नहीं जाता था यानी वो वो एक अंदर से ना चीज़ उठती थी यार नहीं दिस इज सो बैड तो डू यू थिंक दिस एजेंडा के मुताबिक आ, देखें वो अलेक्जेंडर पॉप की मुझे एक ना बात याद आती है उसकी एक बड़ी मशहूर स्टेटमेंट है वो कहता है वी फर्स्ट फस्ट एर दन एंड देन वी एम्ब्रेस कि नेचुरली ना अल्लाह माफ़ कर शैतान का भी यही प्रोसेस होता है कि वो चीज़ों को ना डिसटाइज़ करवाता है यानी फ़हाशी को ना बहुत ज़्यादा आम करता है इसीलिए आप देखें कुरानी मजीद में, में अल्लाह ताला ने इस बात पे बड़ी सख्त बल्कि कहा कि इन नदी हिब्बूनतफ़ाशत फिलदीन आदबाबलीफिनिया वाल आखिर कि वो लोग जो जो है वो इमोडस्ट और फहाशी की चीज़ें फैलाते हैं और उनको शाया करते हैं दुनिया में भी और आख़रत में भी अल्लाह ताला उनके लिए उनको इबरत बनाते हैं तो असल में हमारे दीन में इसीलिए आप देखें कि हमारे दीन में गुनाहों की तशहर करने को नापसंद किया गया छुपाने का हुक्म दिया गया और बहुत सी अहदीस हैं कि अपने भाइयों के गुनाहों को छुपाओ और इसी तरीके से बल्कि अल्लाह के रसूल अलैहि वसल्लम ने इस बारे में सख्ती भी फरमाई आपने फरमाया कि वो बंदा जो एलानिया गुनाह करता है अल्लाह उसके गुनाहों को नहीं माफ़ करते कुल उम्मती मुआफ़ा इल्ला अलमुजाहन तो ये हदीसें इस तरह की मौजूद हैं तो हमें ये पता चलता है कि ये सबसे बड़ी बात और मेरे ख्याल सोलूशन में भी एक सबसे अहम बात ये है जो मैं अपने भाइयों को कहता हूँ जो मेरे पास आते हैं जब वो रोते हैं जैसे आप बता रहे हैं ना लिटरली मैंने अपने बड़े बड़े भाइयों को देखा है जो रोते हुए पोर्नोग्राफी और इस तरह के मसलों पर रोते हैं कि हमारी आंखें कंट्रोल नहीं होती हमें बताएं हम क्या करें तो मैं कहता हूँ ये आपका जो रोना है ना ठीक है नहीं होती है और आपसे ये गलती हो जाती है मैं आपसे एक काम आप मुझे कर दें मैं ये नहीं कहता आप उनको छोड़ दें मैं उनसे वादा एक चीज़ का लेता हूँ और वो वादा मैं ये लेता हूँ कि आप ये जो डिट ये जो आपको ये एक, एक गोटेस्क किस्म का जो आपका इमेज बना इन चीज़ों के बारे में और आपको ये डिटेस्ट डिटेस्टबल ये फीलिंग आती है इस चीज़ के खिलाफ और आप इससे नफरत करते हैं और आपको इस पर गिल्ट होता है ना वादा करें कि आपने गिल्ट कभी खत्म नहीं नहीं होने देनी। hmm. De -sensitize De -sensitize नहीं hmm. नहीं होने देनी, अपने आप को देना और yes. यू नीड तो कहा ये कर लेना hmm. एक वक्त आएगा आपको ये न, किसी ना किसी, किसी वक्त में अल्लाह तला की मदद Excellent. से आपको निकाल Excellent. देगा क्योंकि होता ये है कि जब मैं शैतान के नजदीक आहिस्ता आहिस्ता नॉर्मलाइज होते रहते हैं mm. फिर इंसान को जब गिल्ट खत्म हो जाता है ना फिर अल्लाह की तरफ से मदद भी चली जाती है रूटीन बन जाती है रूटीन बन जाती है और मुआशरा चाहता ही है mm. इसीलिए आप देखें कि अच्छा इसका क्या सोल्यूशन है कि बंदा कहेगा कि वो चीज़ें mm. तो बम्बार्ड होती जा रही हैं mm. कैसे हम इस गिल्ट को अगेन वही मेरी बात कह रहा हूँ मैं उस चीज़ को रोकने का तो ऑब्वियसली हुक्म है ही है लेकिन उस गिल्ट को कैसे अपने आप को यानी अपने अंदर नर्चर किया जा सकता है उसके बहुत से वेज हम इन शिक्र करेंगे एक चीज़ ये है कि अवॉइड एनी वे जहाँ पर यह आपको बहुत ज़्यादा यानी एक्सेस में ये चीज़ मिले सही। क्योंकि डिसेंसिटाइज अब ये होता है जब बहुत ज़्यादा चीज़ें आपको एक्सेस में मिलना शुरू हो जाएँ मुझे इमाम शाफी राहम तुम का कॉल याद आता है इमाम शाफी कहते हैं कि अगर मुझे पता चल जाए कि ये ठंडा पानी मेरी मरुअत मरुअत कहते हैं इंसान की मैनहुड और मैनलीनेस जिसके अंदर इंसान अपने आप को कंपोज करता है और एक सेल्फ़ डिसिप्लिन अगर मुझे पता चल जाए कि ये ठंडा पानी जो है ना

रमज़ान और मुबारक में मैंने एक दफ़ा ये किया कि मैंने यूट्यूब डिलीट कर दिया मोबाइल से और मैंने कहा कि मैंने डिलीट करना है क्योंकि यूट्यूब में ना आपको पता है कि आपको ना नज़र की हिफाजत नहीं हो पाती जो मर्ज़ी कर लें आपकी वो रिकमेंडेशनस में आ रही थी अब तो फेसबुक रील में अल्लाह माफ़ करे ऐसी ऐसी चीज़ें आना शुरू हो गई फेसबुक के ऊपर और इस तरीके से वो आपके अच्छा वैसे ये सॉरी मैम जी यही जो पॉइंट है ना फेसबुक रील वाला देखिए फेसबुक एक मैंने मेरे मेन सोशल मीडिया मेन फेसबुक है बाकी नहीं है बाकी ना इंस्टाग्राम है ना ट्विटर है ना ये नहीं है लेकिन उसमें ही उसमें ये होता है कि आप अपने मुताबिक वो गेयर कर सकते थे उसे कि फ़ॉर एग्जांपल जो जो आपको एड्स आती हैं जो वो चीज़ें आती हैं उसको भी थोड़ा बहुत आप मतलब यानी मैनेज कर सकते थे और अपने जो आपने फ्रेंड लिस्ट फ्रेंडलिस न्यूज़ फीड में बंदे ऐड किए हुए हैं ना उसके मुताबिक आप कर सकते थे तो वो एक एलिमेंट था लेकिन यही जो आपने कहा है ना फेसबुक रील के साथ वो रील ही के साथ इतना वो ट्रिगर है और उसको हाइड करो वो दोबारा आ जाती है और वो पॉपुलर चीज़ें हैं वो ऐसी नहीं कि आप उसमें बहुत ज़्यादा कंट्रोल कर सकते अच्छा मैं आपको ये कह रहा था कि जो हमारे दिन ने ये बातें की ना नज़र की हिफाज़त इमाम यानी नज़र की हिफाजत के लिए ये आपने जो चीज़ें अवॉइड करना कि मतलब एनी थिंग नज़र अपनी झुकाना और दे मैंने अमल करके देखा कि रमज़ान रमज़ानमारक में मैंने कहा कि मैंने फेसबुक भी नहीं देखना मैंने बिल्कुल यानी फेसबुक कह रहा है मैंने फेसबुक से भी ब्रेक ले ली और मैंने ना अपना यूट्यूब को बंद कर दिया यूट्यूब डिलीट कर दिया सही उसके बाद क्या हुआ कि रमज़ान मुबारक में मैंने एक्चुअली और मैंने कॉन्शियसली मतलब मैं जब बाहर जाता था मैं कॉन्शियसली जाता था कि मैंने नजर नहीं पड़ने देनी नहीं। और अगर लग गई मैंने फ़ौरन झुका लेनी है आप यकीन करें कि एक महीने के बाद मुझे मेरा गिल्ट का लेवल इतना बढ़ गया कि मेरी अगर किसी औरत पे दूसरी दफ़ा नज़र पड़ जाती थी ना मुझे इतनी गिल्ट और इतनी शर्मिंदगी होती थी मैंने क्या देख लिया सही तो कहने का मतलब है ये गिल्ट अगर आप डिसेंसिटाइज कर लेते हैं तो देर इज़ ए टाइप के आप अपने आप, आप को रिसेंसिटाइज भी good, कर सकते हैं और ये सबसे ज़रूरी है अगर ये है तो खैर बाकी है लेकिन जी मैं अगर आपके दो सोल्यूशन जो आपने दिए मैंने लिखे जी मैं जी। उन्हें डिस्कस करूँ एक ये कि डोंट गिव अप एंड रिसेंसिटाइज योर सेल्फ तो हो गया hmm. और उसके तरीके आपने ये बताए कि आप जो है ना जैसे रसूल रसुल्लाम की हदीस है कि फॉलो एन ईवल डीट बाई गुड डीड डीट मैं समझता हूँ ये बहुत खूबसूरत बहुत अच्छा तरीका हाँ। एडवाइस रसूल आप फ़ौर से रिजुविनेट करें अपने ईमान को अगर ये सिन खुदा ना खास्त हो गया है पढ़ें कुछ ऐसा लिटरेचर हाँ। पढ़ें कि वो रिवाइव हो आपकी चीज़ अगर आप घुटने टेक देंगे वही जो शुरू में मुहिरा ने बात की थी आप एक्सेप्ट कर लेंगे मैं एडिक्ट अडिक्टूँ क्योंकि देखें शैतान हमारा दुश्मन है और आ, मैं इसको इस तरह देखता हूँ कि अगर मेरा कोई दुश्मन है ना तो उसके दो चीज़ें मैं करूँगा एक ही उसकी विल पावर तोड़ूंगा कंट्रीज यही करती हैं एक इसकी रिसोर्स काट दूंगा अली मैं सॉरी आपकी बात यहाँ पे ऐड करने लगा लगाऊँ इबिन कहते हैं कि वन ऑफ द बेस मैं अभी इन कुछ चीज़ें पॉइंट रखूँगा

क्लीन अप योर सोशल मीडिया क्यूज को कटिंग मैं रिसेंटली इतफाक ऐसा हुआ कि इंस्टा पे uh, मैंने एक uh, यंगस्टर है उसका कॉमेंट देखा तो कभी कभी मैं खोल लेता हूँ किसी का प्रोफाइल जस्ट टू सी तो मैंने बस से वैसे ही उसका प्रोफाइल खोल लिया एंड आई वॉज शॉक टू सी कि उस बच्चे ने बच्चा अच्छा था उस बच्चे ने इस्लामिक पेजस भी ज्वाइन किए हुए थे और इंतहाई गंदे पेजेस भी ज्वाइन किए हुए थे <laughs> एंड डैट एक्चुअली शॉक मी अब मुझे उस पर तर्स भी आया कि यार ये इतना बेचारा फंसा हुआ है और ये दिस इज़ जस्ट वन थिंग ये अब ऑडियंस समझेगी मैं हर एक का प्रोफाइल खोल लूँगा तो खोल भी सकता हूँ जस्ट टू चेक अपने फॉलोअर्स तो लेकिन मैं यहाँ से एक पॉइंट आपको बताना चाहता हूँ कि इतने गंदे पेजेस अवेलेबल हैं ना कि आप लोग अंदाज़ा भी नहीं लगा सकते उन पेजिस पर क्या है किस तरह से औरत का फिगर दिखाया जा रहा है और क्या क्या होता है उन पेजेस पे मीम्स किस तरह की आती हैं क्या क्या कंटेंट आता है यू विल बी शॉक्ड आप कहेंगे कि होपलेस सिचुएशन है इतने ज़्यादा पेजेस हैं फेसबुक पे और इंस्टा पे तो मुहिरा ने जैसे कहा कि हमारी एडवाइस ये है कि प्लीज़ अप दिस अगर आप इस्लामिक लेक्चर ले लेंगे ईमान की कोई बात सुन लेंगे जो मर्ज़ी कर लेंगे लेकिन फौरन वो पेजेस आपके सामने आएंगे वो ट्रिगर आएगा तो उसी वक्त सारा कुछ आपका पावरफुल टू योर सोशल मीडिया ऐसे दोस्तों आ, दोस्त जो है आई थिंक वो भी एक बहुत बड़ा फैक्टर hmm. है एग्जैक्ट exactly. इस चीज में आपको डालने आपकी के लिए आपकी जो कंपनी है और ऐसी कंपनी जो आपके ऐसे दोस्त जो इस चीज को डिस्कस करते हैं वो आपको बताते हैं बकायदा और I really feel के दोस्त ही आपके होते हैं जो आपको खेच के उस तरफ लेके चले जाते हैं और आपको सबसे पहला आपका इनकाउंटर जो है ना नाग्राफी में वो हमेशा वो होता है वो दोस्त सिगरेट हो चाहे कुछ हो उसमें क्योंकि ना नेचुरली अगर हम पोन को पहली दफा कोई बंदा देखे ना तो उसे गंदी फीलिंग आती है मतलब mm -hmm. वो ही डिसलाइक्स दैट बहुत गंदा किस्म का जो है ना बंदे बंद है mm -hmm. और मेरे mm -hmm. ख्याल से अगर आप इससे छुट, छुटकारा भी हासिल करना चाहते हैं ना तो आपका दोस्त जिस तरह mm -hmm. आप ऑबियसली वन ऑफ़ द दोल्यूशन इज दिस के आप किसी से क्योंकि ओबियसली आपकी एक ईगो होती है आपकी सेल्फ इस्टीम होती है कि आप किसी शेयर नहीं करना चाहते तो मेरे ख्याल से वन ऑफ द दोलूशन इज दिस कि आप किसी बंदे से शेयर जरूर करें और उसको बताएं कि ये मेरा मसला है और मैं इसे कंट्रोल मैं इससे छुटकारा हासिल करना चाहता हूँ हम बताते नहीं हैं और वो पूरी जिंदगी गुजर जाती है इस तरह इतने इतने, इतने, इतने इतने साल गुजर जाते हैं ओबियसली जब बताएँगे तो ऑबियसली आपका दोस्त आपको सलूशन देगा और मेरे ख्याल से कि आप अपने दोस्त को अपना फ़ोन या उसको चेक दे दें अपने पासवर्ड दे दें कोई भी ऐसी आप चीज़ कर सकते हैं ये बड़ा अच्छा एक सोल्यूशन है कि अपने पासवर्ड्स दे दें उसके पास हो यहाँ ऑब्वियसली कोई एप्लीकेशन भी हैं जिसको आप यूज़ कर सकते हैं ये भी चीज़ें जो है यूज़ कर सकते हैं कि एप्लीकेशन कंट्रोल कर लेती है आपके फ़ोन को और उसका पासवर्ड आपके दोस्त के पास होता है वो चेक कर सकता है आपकी चीज़ों को hmm, तो वन ऑफ़ द ये भाई उन्होंने हमें सोलूशन बताया तो बड़ा अच्छा सोल्यूशन है लेकिन जो वन ऑफ द मेन सोलूशन जो मुझे नज़र आता है और मैंने ये रिसेंटली डी वाला जो किया अली भाई से भी शेयर किया था कि लास्ट मंडे मैंने यही किया कि मैंने सारे सोशल मीडिया को बंद कर दिया नहीं यूज़ किया और वो दिन पता नहीं कितने सालों बाद कितने महीनों बाद मुझे अच्छा लगा कि यार कोई भी काम कोई काउंटर इनकाउंटर हुआ ही नहीं है ऑब्वियसली फीड की जब बात की जाए इंस्टाग्राम ऐसी चीज़ है कि आपने चाहे अच्छे पेज लाइक किए हैं बुरे पेज लाइक किए हैं वी डोंट नो कि वो कहाँ से चीज़ें आ रही हैं और हम कंट्रोल ही नहीं कर सकते तो वही मुगैरा भाई वाली बात है कि आप उसकी जो रूट कोज है उसको ख़त्म करें किस तरीके से छुटकारा हासिल करें और अपने दिमाग को ये समझाएं आपका माइंड लर्न करता है माइंड साइंस यही कहती है कि उसको लर्न करवाएं अपने माइंड को लर्न करवाएं और एक मंथ उसको टारगेट दें कि एक मंथ तुमने यही काम कर रहे हैं कॉन्शियसली आपने एफर्ट करनी है तो इनशाला आसानी होगी लेकिन दोस्त अच्छा चुने क्योंकि ऑब्वियसली दोस्त आपको बहुत और वो कंपनी जो डिस्कस कर रही होती है अफसोस की बात ये है कि हम डिस्कस कर रहे होते हैं बकायदा लड़के डिस्कस करते हैं कि यार तुझे तूने ये इस पर नहीं तुझे तु, तूने काउंटर नहीं किया तूने देखा ही नहीं है सबसे ज्यादा इन्फ्लुएंस यही होता होता है है जो कि फिजिकल होता है। आपके और सामने प्रेजेंस के अंदर और फिर वो पीयर प्रेशर भी होता है ना टीन एजर जो होते हैं वो ये समझते हैं कि हमने ये चीज़ देख ली अब हम प्रो बन गए दोस्तों अब बहुत छोटे लेवल की बात रहेगी क्योंकि मैं चाहता हूं कि हम खुल के जरा बातें करें तो मैं ऑडियंस से भी रिक्वेस्ट करूंगा जरा हिम्मत करके अब बातें थोड़ी सी सुन भी लें देखें मैं इसकी स्टेजेस भी आपको बताता हूँ जो मैंने एडिक्ट्स में देखी और उन्होंने डिस्कस भी किया बहुत खुल के डिस्कस करते हैं लोग ट्रस्ट करते हैं अलहद लेकिन फॉर द सेक ऑफ बेनिफिट ऑफ अदर्स मैं बता रहा हूँ इट स्टार्ट फ्राम सींग एंड द नेक्स्ट स्टेप इज़ यू नीड टू एक्ट अपॉन अगर आपको फिज़िकल ना मिले तो फिर ज़ाहिर है कि ये एक ऑनलाइन चीज़ बहुत ज़्यादा uh, ख़तरनाक लेवल पे चली जाती है चैटिंग चैटिंग से अगला स्टेप है सेक्सटिंग फिर यू you नो know, फिर वैसी कन्वर्सेशन तो फिर वीडियो कॉल्स और वो बहुत नेक्स्ट लेवल है बहुत बहुत नेक्स्ट लेवल है बंदा फिर नई नई चीज़ ट्राई करना चाहता है एंड अल्टीमेटली फिर अगर फिज़िकल हो गया वो तो फिर एक नेक्स्ट ही लेवल है उससे भी आगे लेवल है फिर ग्रुप में बड़ा कुछ होता है तो आ, मैं चाहता हूँ कि मैं आपको एक एडिक्ट की सेक्स एडिक्ट की रिकवरी की स्टोरी सुनाऊँ और उसमें कुछ हकीकतें हैं और ये एक्नॉलेज हमें करनी चाहिए पहली हकीकत उसने ये बताई है कि आई यूज़ टू थिंक शादी करा के मसला ख़त्म हो जाएगा उसने कहा हाँ कंट्रोल हुआ बट इट डिडेंट इंटायरली गो बिकॉज मेरी अप्रोच ठीक नहीं थी पहली बात ये उसने की दूसरी बात उसने कहा कि आई यूज़ टू थिंक अगर मैं बहुत ज़्यादा स्परिचुअलिटी की तरफ जाऊँगा और स्कॉलर्स में बैठूँगा इल्म के साथ जुड़ूँगा इट विल गो सम हाउ यस थोड़ा कंट्रोल हुआ उसने इनकार नहीं किया इसका इम्पेक्ट नहीं हुआ शादी का भी इम्पेक्ट होता है वो तो हदीस है डेफिनेटली और वो कंपनी का स्कॉलर्स का वो भी इफेक्ट हुआ लेकिन ही सेट कि सम हाउ आई वुड फॉल मोर इन टू इट डेज और मेरा गिल्ट और डिप्रेशन मज़ीद बढ़ती कि अब तो मैंने सोलूशन भी अडोप्ट कर लिया अब तो मैं वो भी कर रहा हूँ इसके बावजूद ये क्यों नहीं जा रहा तो देन ही सेट के दीज टेन स्टेप दे एक्चुअली हेल्प मी ये मुसलमान एक वो लड़का है उसकी पूरी स्टोरी मैंने निकाली है तो वो टेन टिप्स मैं चाहता हूँ बारी बारी हम सब इस पर जो है वो रोशनी डालें पहली जो आपने बात की सैड गेट हेल्प फ्रॉम अदर पीपल इट्स वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज इट्स अ डिजीज़ एंड यू डोंट यू थिंक यू विल बी एबल टू फाइट इट ऑल अलोन अनलेस अल्लाह की तरफ से कोई बहुत बड़ी रहमत आप पे आ जाए अल्लाह करे लेकिन ये कि आप हेल्प इसमें लें इनिशियल स्टेजेस में, yeah, में, में शायद आपको जरूरत ना पड़े और उसमें भी मैं भी एडवाइस करूंगा क्योंकि इंसान के ना थोड़ी सी एक सेल्फ रिस्पेक्ट भी होती है इंसान अपने आप को भी थोड़ा सा ना एक, एक बंदा अपने आप को किसी लेवल पे देखता होता है एक ही हैज गुड विजन ऑफ हिमसेल्फ राइट और उसमें इंसान नहीं पसंद करता और वो इतना खुल भी नहीं सकता दूसरों के साथ स्पेशली जब आप किसी आ, किसी अच्छी पोजीशन पे हों कोई आप एक सक्सेसफुल पेरेंटली किसी सोसाइटी के अंदर एक अच्छे सक्सेसफुल मेंबर हो किसी कम्युनिटी के तो ऐसी सीरत में मेरे सब, मेरी नज़र में आ, कोशिश करनी चाहिए कि खुद ही इंसान ओवरकम कर ले। लेकिन अगर सिवियर केसेस हो जाएँ यानी मसला जैसे एडिक्शन का हो गया एंड इट्स टेकिंग वही आपने जो बात बताई ना कि इसका सबसे बड़ा मसला ये होता है ये जो सेक्शुअल का कि ये आता आहिस्ता परवर्जन की तरफ चीज़ लेके जाती है yes. इसमें ना इसमें इसमें वो नहीं होता इसमें यानी बोर्डम बहुत जल्दी आ जाता है यानी यू गेट बोर्ड ईजिली फ्राम वन स्टेज टू दी अदर एंड देन यू मूव टू दी अदर स्टेज तो इस चीज़ के लिए जब आप देखें कि मैं अब ऐसी चीज़ों की तरफ अट्रैक्ट होना शुरू हो गया हूँ जो Uh, जो मेरे नज़दीक भी बड़ी जो है ना वो क्वेश्चनबल हैं और बड़ी स्ट्रॉग हैं द आई नीड टू गेट हेल्प फ्राम द पीपल और मैं बहुत ज़्यादा इंक्रेज करता हूँ खासतौर पर हमारे भाई भी हैं कुछ माशा जो इस पर डीलिंग करते हैं जो इनकी तो मैं उनको अलहमदिल्ला उनके साथ मैं उनको करता हूँ hmm. मैं इस पर भी यही ऐड करूँगा देखें एक आपका जो सबसे क्लोज़ कॉन्फिडेंट फ्रेंड होता है ना उसको ज़रूर मतलब यानी अपने पूल में रखें ठीक hmm. है या जितने मर्ज़ी आप स्ट्रॉग होइए लेकिन अगर आपके जो ये जो सेल्फ रिस्पेक्ट वाली बात है ना इसमें थोड़ी सी इसको भी बूस्ट दें इस सेंस में बूस्ट दें कि मैं कर सकता हूँ ठीक है ना? ना अपनी जो विल पावर स्ट्रांग होती है ना वो भी एक तरीके से होती है जितना आप अपने आप को अपने आप को बताते हैं कि आप कितने स्ट्रॉन्ग हैं ठीक है, नहीं, है? नहीं। और उसके साथ साथ अपनी प्रोग्रेस ये इस एक जो क्लोज कॉन्फिडेंट है एटलीस्ट उसको अपनी उस प्रोग्रेस के साथ एसोसिएट जरूर रखें यही दूसरा पॉइंट उसका है कि उसको अपनी प्रोग्रेस बताते रहें इनफैक्ट उसने लिखा है फाइंड अ स्पॉन्सर एंड कॉल दैम डेली स्पॉन्सर इन देंस के दे आर एक्चुअली लुकिंग आफ्टर यू दे आर होल्डिंग यू अकाउंटेबल और वो आपसे सोब्राइटरी सोब्राइटी रिपोर्ट जो है वो आपसे ले के हाउ मैनी डेज यू बीन सोबर आपकी रिपोर्ट को फॉलोअप करें मुझे इससे बात याद आ गई कि यूनिवर्सिटी uh, में हम हॉस्टल्स uh, में कुछ लेक्चर्स वगैरह रखते थे अपने रूम्स में mm -hmm. तो वो हमारा एक हल्का होता था हम सीरा की कोई किताब पढ़ते थे कुछ ऐसी चीज़ करते थे तो वन ऑफ द जूनियर्स वो टिक जाता था मेरे पास एंड ही विल नॉट गो और मैं थोड़ा सा कभी कभी होता भी था बंदे को ज़ाहिर है प्राइवेसी भी चाहिए होती रूम हमारा है, mm -hmm. जी आई के में था सेपरेट ही था mm -hmm. मैं थोड़ा सा होता था फिर मैं उससे mm -hmm. पूछता था कि खैरियत है वो कहता था नहीं अली भाई मैं प्लीज़ आई वॉन्ट टू स्टे तो वो फिर बात खुली उसने बड़ी मुश्किल से खोली कि ना मैं पढ़ जाऊंगा उसको वापस जाके, बहुत ज़्यादा उसको एडिक्शन हुई, हुई थी, तो देखें ही वॉज एटलीस्ट मी कि यार प्लीज मुझे अपने साथ रख लें मैं अकेला गया तो मैं गया इसलिए मुझे ना बस रखें तो यकीन करें कि जैसे मीरा ने कहा ना कि अल्लाह की मदद भी आती है जब आप जेस्टर शो करोगे पहला जैस्र देखें रसोलम ने फरमाया हदीस है सही बुखारी की कि टू बी अल्लाह विल मेक हिम जो भी नेक और ये बनना चाहता है अपनी मॉडेस्टी की हिफाजत करना चाहता है अल्लाह ताला उसको हिफाजत करवा देगा देखें यहाँ इवन यूथ क्लब के ऑफिस में भी कुछ बच्चे जो है ना वो इसी थॉट के साथ भी आते हैं जो वो मतलब ऐसी क्रिटिकल सिचुएशन में होता है उस क्रिटिकल मोमेंट पे वो आते हैं कि मुझे भाई यहाँ कोई रख ले में किसी तरह से ना मैं बस अपनी एनर्जीज को एनालाइज करना चाहता हूं आते हैं वॉइस आते हैं वो कहते हैं हमें हमारे पास काम नहीं है हमें काम दे दें हम चाहे इधर बस बैठे रहें ऑब्वियसली एक ए, सेफ स्पेस है मोहिरा नेक्स्ट इन्होंने जो टिप दी है वो ये दी है कि आप अगले आने वाले टाइम का ना सोचें आप उस दिन को सेव कर लें लेंगजैक्ट exactly. क्योंकि शैतान ये exactly. कहता है कि नहीं तुम तो फेल हुए पास में और साइकोलॉजिकली आई थिंक इट्स वेरी पावरफुल बहुत पावरफुल है कि आप जो है ना बजाइए कि मैं आज कर लिए तो कौन सी बड़ी बात कर लिए तो वो जो थोड़ी सी आपकी सक्सेस है बजाय आप उसको चेरिश कर सकें आप नहीं कर पाते अच्छा चलीज़ में एक और बड़ी इंटरेस्टिंग जो चीज़ मैं आपको शेयर करना चाहता हूँ इबन रही तुके हवाले से वो ये है कि मिनकैम कहते हैं कि बहुत सी चीज़ें उन्होंने बयान की एंड आई थिंक हमारे पास शायद इतना टाइम नहीं है उन सबको डिस्कस करने का वो कहते हैं कि ये भी इस बात का खौफ रखो कि यू कैन बी एक्सपोज और मैं आपको बताऊँ ये गुनाह जो है ना ये छुप के किया जाता है और डेफिनेटली और कोई बंदा नहीं चाहता कि मैं अगर पोर्नोग्राफी देख रहा हूँ मैस्टोबेशन कोई माफ़ करे कुछ ऐसे लोग हैं जो बड़े ओपनली इस चीज़ को कन्वेस भी करते हैं और लेकिन बाहर पोर्नोग्राफी को तो शायद कर लें लेकिन जैसे दूसरे जो चीज़ें इसके साथ अटैच हैं शायद उसके बारे में इतने वोकल नहीं हो सकते लेकिन एक बात हमें समझनी चाहिए कि अगर अल्लाह ताला ने आपको जो है ना वो छुपाया हुआ है ना ये अल्लाह की रहमत है एंड ही कैन एक्सपोज यू एक्सपोज यू एनी टाइम और एक वक्त आता है जब आप हद से बढ़ जाते हो ना फिर अल्लाह आपको एक्सपोज़ करते हैं और फिर इस वक्त जाहिर जब एक और ये ऐसी चीज़ है कि ये आपकी रिप्यूट ऐसी है जो आप दोबारा कभी दोबारा बिल्ड नहीं कर पाते hmm. यानी इमेजिन करें कि आपसे से एक गुना हो गया अब ये पूरी ज़िंदगी के आपके साथ ना एक आपके सामने वो लग गया है एक टाइटल लग गया है अब आप इसको जो है ना ओवरकम नहीं कर सकते इसीलिए आप देखें हमारे दीन ने स्लैंडरिंग पर बहुत सख्ती की है और जहनम जा, की वही सुनाई है कुरान मजीद में ने नूर में अगर आप देख लें क्योंकि ये चीज़ जाती नहीं है पूरी ज़िंदगी के साथ अगर आपने गलत लगा ली और लोगों में मारूफ हो गई तो लोग फिर इसके बारे में ज़्यादा पूछते भी नहीं है लोग फिर ना इसे अवॉइड करते हैं इस बारे में डिस्कशन करते हुए तो इबन कही कहते हैं हमेशा इंसान को ना ये चीज़ ये फीलिंग के यार अगर अल्लाह ना करे मैक्सपोज हो गया तो मेरे साथ क्या होगी और कुछ अल्लाह कुछ लोगों को बड़े एक्सपोज भी किया कुछ रिलीजियस फिगर्स को जैसे आपको याद होगा पिछले दिनों कोई रिलीजियस फ़िगर को, को एक्सपोज़ किया एक्सपोज हुआ इस तरह के गुनाह में अल्लाह माफ़ करे तो एकदम किस वजह वर, उस वजह से पूरे उम्मत मुस्लिम आई वन टू बी वेरी ऑनस्ट एक रिलीजियस कम्युनिटी को पूरा नुकसान हुआ अल्लाह माफ़ करे तो अल्लाह दिखाता है ऑब्वियसली yes. ये चीज़ एक दिन में और मैंने देखा है कि अल्लाह ताला ना इंसान पे बड़े रही नौकरी में hmm. इंसान से कभी ऐसी मैं गलती हो जाए एक दफ़ा दो दफ़ा ना अल्लाह उसको कहते हैं चल कोई नहीं hmm. जाने दे hmm. 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 लेकिन जब इंसान कंसिस्टेंटली करता है और गिल्ट के बगैर करता है ओवरकम करने की नहीं कोशिश करता और एक किस्म की सरकशी का शिकार हो जाता है फिर इंसान बगी जिसे कहते हैं ना बगावत का शिकार हो जाता है तो अल्लाह तला फिर इंसान को पकड़ते हैं तो आई थिंक इस चीज़ के खौफ दूसरी चीज इब ने कैम रही तुम कहते हैं बहुत अहम चीज़ ये है कि इंसान ना प्लेजर और यानी वो कहते हैं कि इसके लिए ना सैन माइंड होना सैनिटी बहुत ज़रूरी है यानी इंसान जब भी यानी देखे ना किसी बुराई का यानी दिल चाह रहा है पौन देखने के लिए तो इंसान को ये भी फीलिंग होती है पौन के बाद ना एक बड़ी स्ट्रॉग गिल्ट की फील होती है शुरू शुरू में एटलीस्ट और ये वो वक्त होता है जब इंसान कंट्रोल कर सकता वो कहते हैं इंसान ना कंपेरिज़न करे कि यार ये मैंने भी देखा ये मुझे कितनी देर का प्लेजर है ये मैं अल्लाह माफ करे कोई जना करने जा रहा है सही पाँच मिनट की लजत है छः मिनट की लजत है उसके बाद जो पूरी ज़िंदगी की तकलीफ है वो कितनी तकलीफ ज़्यादा होगी और गिल्ट और फिर अल्लाह से खौफ और वो जो सज़ा अगर अल्लाह ने पकड़ लिया तो और अल्लाह माफ़ करे अगर इस्लामी हुकूमत में उसकी एक्चुअल सज़ा मिल गई तो वो कितनी बड़ी चीज़ है और उसके मद्दे मुकाबल अगर वक्ती तौर पर पेशेंस है जो जो थोड़ा कड़वा है अनडाउटेडली वो कड़वा है उसमें नहीं होता लेकिन उसके बाद जो इंसान को सेल्फ कंट्रोल आप मुझे खुद बताएं मैं इसी बड़ी प्रैक्टिकल मिसाल देता हूं खाना बहुत मजे का पड़ा हुआ है आपके सामने और आपका प्लान है कि मैंने डाइट कंट्रोल करनी है अब आप डिस्पाइट द फैक्ट के आपके सामने खाना पड़ा सारे है सारे खा रहे हैं और आप अपने आप को कंट्रोल करके उतना खाना खाते हैं आपको क्या लेवल ऑफ कॉन्फिडेंस मिलता है भिल्कुल आप भिल्कुल लगते हैं है। है। दुनिया अचीव कर सकता है कुछ कर सकता हूँ तो ऐसे ही मौके पर जब इंसान कंट्रोल करता है सबर करता है वो कड़वा लेता है और अकेला है मिसाल के तौर पर अकेला है घर में कुछ भी नहीं है देख सकता है उस पांच मिनट को अगर वो अपने बचाता है तो इंसान कहता है यार मैं yes, yes, मैं दुनिया तो yes, क्या 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 ये नहीं बड़ी करे। मैं बिलाल भाई को जन्नत नसीब करे माशाल्लाह जिस तरह खाने के मामले में कंट्रोल है ना उनका चिकन के मामले में किसी का भी नहीं है तो ये और एक और अली बड़ी मजे की बात उन्होंने की जिसको आप बहुत अच्छा हैं जब इंसान ये इस तरह का काम पोर्नोग्राफी या कोई मास्ट्रोबेशन या इस तरह के काम करता है ना इंसान अपनी नज़र में गिर जाता है yeah. इंसान को ना बहुत अपने आप देखिए मैंने जैसे कहा ना हर बंदा अपने अपने आप के बारे में एक अच्छा विजन रखता है कि यार मैं और इमेजिन करता है कभी अकेले में होता ना कि यार मैं हूँ लोग मेरे यानी मैं एक बड़ा आदमी हूँ यानी और इस इंसान पूरी ज़िंदगी उस सेल्फ रियलाइजेशन या एक्चुअलाइजेशन की कोशिश भी करता है बिल्कुल I mean, ठीक है इन कहते हैं कि इंसान को रियलाइज़ करना चाहिए कि इंसान की वर्थ क्या है इंसान अल्लाह ने इंसान को कितना अशरफुल अशरफुलमखलूक बनाया है और जब इंसान इस तरह के काम करता है तो ये जानवरों इंसान को ना एक फीलिंग होती है एनिमलिस्टिक फीलिंग की यार ये तो जानवरों का ले काम थे क्योंकि जानवर ना अपने आप को कंट्रोल नहीं कर सकता तो इंसान की जो सेल्फ स्टीम को जो धचका लगता है ना इंसान को चाहिए कि अपनी वर्थ याद करे कि मैं किस किस मैं अल्लाह का क्या बनना बंदा बैठा हुआ है

जो फीलिंग है ना कि इंसान को एहसास होना चाहिए और इससे मुझे एक और पॉइंट याद है इब्न हम एक और पॉइंट ये कहते हैं कि इंसान को चाहिए कि वो रियलाइज़ वो ना एजुकेशन भी हासिल करे शैतान के ट्रैप्स के बारे में hmm. मैं लिटरली आपसे भी देखा होगा मुझे कई ख़वातीन ने ऐसे मैसेजेस किए हैं कि वो बंदा मुझे करना चाह रहा है वो कहता है मुझे अपनी न्यूड्स भेजो फॉर एग्जांपल yes. yes. और वो मुझे कहता है कि देखो तुम तुम एक बंदे का दिल दुखा रही हो

डोंट डू दिस ये पूरी जिम्मेदारी के साथ कि इट्स अ ट्रैप ट्रैप और वो बकायदा आपको ट्रैप कर रहा है तो क्लियरली यू शुड रश अवे अवे रन वो जो जिल्लत का एहसास है ना इंसान देखे कि अच्छा मैं मतलब मैं अपने आप को इस तरह इमेजिन करता हूँ मैं कहता हूँ अगर फॉर एग्जाम्पल मैं विद डिजायर हूँ उस वक्त इंसान वाकई जानवरों yes. की तरह सोच रहा होता है yes. इंसान जरा एक स्टेप निकले बाहर निकले अपने yes. आप से और कहे कि ये मैं बनना हूँ और मैं ये कर रहा हूँ मैं इस बंदे के बारे में क्या सोचूंगा अगर मेरे सामने एक बंदा इस वक्त उसका ये हालत मेरे सामने आ जाए तो मैं उसके बारे में क्या सोचूं इंसान कहता है यार मैं ऐसा इंसानों को ना शर्मिंदगी होती है और रीसेंसिटाइज री होने का एक बड़ा पावरफुल टिप है कि बंदा जो है वो रीसेंसिटाइज हो जाता है एक ख्याल जो एक्चुअली ये ख्याल जो था वो मेरे दिमाग में भी आता था और ऑब्वियसली जब बंदा चेंज की तरफ आता है किसी भी बुरे काम से बुरी कंपनी से और अक्सर जब बात होती है काउंसलिंग वगैरह में भी या कोई भी भैयाते हैं उनसे बात होती है तो उनको ये ज़रूर ख्याल देता हूँ उनके कोशिश करता हूँ कि ये ख्याल ट्रांसफ़र हो जाए कि आप ये सोचें कि इतनी गलोनी हम कर रहे होते हैं इतनी गलीस हम कर रहे होते हैं उस मोमेंट पर चाहे वो गाली है चाहे वो सिगरेट है चाहे वो पोग्राफी है चाहे वो मैसोवेशन है ऐसी चीज़ जिसमें इतनी गलाजत है उस मोमेंट पे आपका इंतकाल हो जाए अल्लाह अल्लाह हमारे माशरे में तो ऐसे लोग हैं वो कहेंगे इसका जनाजा भी नहीं पढ़ाना ऐसी हमारी मैंटेलिटी है माशरे के अंदर तो आपका ना आपको दुनिया भी नहीं मिली और आखिर तो वैसे ही आपकी दबाव होगी और पूरी की पूरी ज़िंदगी लोग आपके बारे में यही सोचेंगे और आपके बारे में जनरेशन बताया करेंगे कि वो एक फ़लाँ था और उसका इस तरह इंतकाल हुआ क्योंकि हमारा माशरा नेगेटिव है नेगेटिव बात को लोग हमेशा डिस्कस करते हैं पॉजिटिव को कम करते हैं तो कितनी अजीब सी बात होगी कि लोग और ऊपर से हमारे जो टीवी चैनल्स हैं बिल्कुल बिल्कुल वो ऐसी चीज़ों के लिए तो ब्रेकिंग न्यूज़ होती है तो ना भी होना के हाँ ये behavior behavior. होता है और होना चाहिए भी मैं yes. क्योंकि ये होता है कि दूसरी जो उनकी हमारे जो काउंटर है ना लेबरल्स वगैरह उनकी स्ट्रेटजी ये होती है कि अगर आप इसको नॉर्मलाइज कर देंगे ना तो वो गिल्ट वाला एलिमेंट सबके अंदर खत्म हो है लेकिन ऐसा होता नहीं ठीक है ना कि इवन इफ अगर फर्ज करें कर भी लेते हैं उस लेवल तक ले भी जाते हैं लेकिन लोगों के जो एक्चुअल ओपिनियंस हैं आपके बारे में वो उसी तरह की ही रहते हैं इवन के देखें ये तो मुसलमान की बात अलग है इवन के जो नॉन मुस्लिम बंदा भी है उसके साथ भी अगर उसका उसका इंतकाल हो जाता है इस स्टेट के अंदर मैं उसी की बात है so, उनके साथ इंतकाल उनके बारे में खतरनाक स्टेट आ चुकी है आपने कहा की गोरे तो टोटली सकम कर चुके हैं और इसको एक्सेप्ट कर चुके हैं बल्कि मैं अपनी यूथ को कहता हूँ की वाहे तुम ही तो खड़े हो इस सिस्टम के खिलाफ मुसलमान ही अब मोडेस्टी की बात करे गोरे तो कब के सकम कर चुके

वो भी तो क्या क्या चीजें सिखाई जा रही हैं बट मैं यही कहता हूं अपने बच्चों को मुसलमान यूथ को कि तुम ही तो खड़े हो इस सिस्टम के खिलाफ इस गंद के खिलाफ अगर तुम से कम कर गए तो फिर कौन खड़ा होगा कौन खड़ा हो गया से हुँ। से हुँ। फिर तो ये ओवर पावर सारी चीज कर जाएगी और अल्लाह ताला ऐसे नौजवान पैदा करता रहेगा इन जो इसके खिलाफ खड़े रहेंगे और जो जमे रहेंगे इसके आगे और वो मरना पसंद करेंगे लेकिन ये के गंदे कुएं से पानी नहीं पसंद करेंगे वहाँ पर वेस्ट के अंदर ये जो इनकी जो हर बिल्कुल है जो भी ह्यूमैनिटी को करेगा हम वो चाहे जो भी है उसके साथ हैं हम इन आप आप प्लीज ब्रो एक इधर क्लैरिटी बड़ी ज़रूरी है कि हम यूथ को ये ज़रूर डिफाइन करें कि लस्ट और लव जो है ना वो उसमें बाइफ्रिकेशन क्या है डिफ्रेंसीशन क्या है क्योंकि एक बंदा जब आपसे ओबियसली एक बंदा आपसे बात कर रहा है मेल फीमेल से बात करिए फीमेल मेल से बात कर रही है, है, है तो वो जो चैटिंग है वो जो वर्ड्स हैं वो जो एम्बियंस है वो जो एक क्राइटेरिया है क्या वो वाकई लस्टफुल हो रहा है वो लवफुल हो रहा है ये चीज़ डिफ़ाइन करना बड़ी ज़रूरी है क्योंकि कुछ तो कभी नए नए जो अगर नया नया एक इनकाउंटर uh, होता है तो बच्चों को ये भी नहीं समझ आती कि uh, मुझे ये ये चीज़ पे लेके जा रही है क्या इज इज इट इट अ अ लव लव स्टोरी स्टोरी जो भी यूथ में चल रहा है ही लस्ट मैं तो नहीं मानता कि कोई बंदा मुझे आके कहने जी ये लव है। लव तो उसकी क्या रिक्वायरमेंट है ये तो पड़ा ही नहीं हमारी यूथ ने कभी हंड्रेड परसेंट लास्ट है उसकी निशानी ये है कि जैसे मुझे यंगस्टर आके कहता कि मैं इनका छोड़ दो बात करना कहता छोड़ दिया तो वो किसी और के साथ सेट हो जाएगी भाग जाएगी ये लड़कियों का भी होता है कि नहीं अगर मैंने कट ऑफ कर दिया वो तो फिर सर वो फिर क्या मुझे भूल जाएगा <laughs> तो मैंने कहा ये कौन सा लव है ये, ये तो फिर सा? है ही लस्ट ये तो लस्ट, हाँ। है। ये, तो लस्ट है। ये तो लस्ट में होता है कि अगर मैंने रबता तोड़ दिया लव तो जो है वो तो डिस्टेंस में भी जो है बंदा जो है वो सेंसेर रहता है लॉयल रहता है तो ये एक बहुत बड़ा इंडिकेटर है उनके लिए अच्छा इसमें अली आपकी ईद से मैं अगर कहूँ आमाज़ के फोनोग्राफी के बारे में ना बहुत ज़्यादा सो कॉल्ड एक्डीमिया के अंदर ये डिस्कशन स्टार्ट की गई हैं कि पोर्नोग्राफी के जो डेट्रीमेंटल इफेक्ट्स हैं ना वो हमारी पुरानी रिसर्चेज़ है नई रिसर्च के मुताबिक यानी देर इज दे अ बेनिफिट और मास्टरबेशन के फ़वायद और इस तरह की चीज़ों के फ़ायद के बारे में बहुत ज़्यादा सो कॉल्ड रिसर्च भी आ रही हैं मैं चाह रहा हूँ जरा आप इस पर थोड़ा सा कॉमेंट करें डिस्कशन करें मैं आपको बताता हूँ यहाँ पर ना हमारी तीन तीन डिफरेंट किस्म की ऑर्गेनाइजेशन होती हैं इंटरनेशनल जो कि साइकोलॉजी और उनके डिसऑर्डर्स पर वर्क करती हैं उसमें से एक आई सी टी और उसके लिए डी एस एम जो है जो कि अमेरिकन की है इन सब की जो है ना आप एक चीज़ जेन में रखें इससे पहले ये सुनने से पहले कि इस पूरी इंडस्ट्री के पीछे ये मल्टी बिलियन डॉलर इंडस्ट्री है ठीक है इसके ऊपर जो रिसर्च के लिए पैसा पंप होता है जो लोग खरीदे जाते हैं जो साइंटिस्ट भी बिकता है और बहुत इजीली बिकता है ठीक है तो ये अपनी चीज़ में जेन आ, में रखें ये सुनते हुए इन जितनी भी मेजर ऑर्गेनाइजेशन है ना इनके नजदीक वो उसको एज़ अ डिसऑर्डर नहीं क्लैरिफाई करते कहते ये डिसऑर्डर नहीं है ये एडिक्शन नहीं है ये एटलीस्ट एडिक्शन नहीं है ठीक है और ना डी ने उसमें डालने की क्योंकि हालांकि उसमें काउंटर प्रेशर आ रहा है कई दफ़ा काउंटर का, इसमें बल्कि वॉरफेयर चल रही है कुछ इंडिपेंडेंट इकट्ठे हुए हुए हैं लोग और वो काउंटर रिसर्च को कर रहे हैं उनकी फेक रिसर्च को करें मतलब अभी ये करंट बैटल चल रही है विद एकेडेमिया उनके नाम अगर आप बता दें वो जो ऑर्गेनाइजेशन एक, एक तो कोविनेंटाइज मेरे ज़हन हाँ में हां जी हां जी कोविनेंटाइज है फाइट द न्यू ड्रग फाइट द न्यू ड्रग ठीक है? एक, है एक ये है एक no है नो फैप ठीक है एक है अपना योर ब्रेन ऑन पॉन ठीक है ये तीन चार जो है ना इनकी पूरी वेबसाइट्स हैं अवेलेबल और ये ना इन रिसर्च को भी काउंटर करती हैं और आपको काउंटर रिसर्च भी देते हैं सही। इवन आपको फिर इसमें ये करना होता है कि आपको ऐसे एडेमिक ढूंढने पड़ते हैं ठीक है जो कि फॉर एग्जांपल जो इस तरह का कोई क्योंकि उनके पीछे कोई रिलीजियस भी वो ना हो क्योंकि कहते हैं कि नहीं है। ये चूँकि दीन की तरफ से इनकी मोटिवेशन है ये खराब करें ये टेम्पर्ड रिसर्च ये टेम्पर्ड रिसर्च है।, है हम कहते हैं आपके पीछे मल्टी बिलियन डॉलर रिसर्च है आपकी भी टेम्पर्ड रिसर्च है लेकिन एनी हाउ फिर हमें ना ये बड़ी मुश्किल से इसमें ढूंढने पड़ते हैं वो बंदे जिनसे हमें वो एक्डेमिक्स में मिले जो कि आपको कहते हैं कि इसकी रिकोगनीशन जो है ना वो होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए और इस वजह से ना ये आपने कहा था तीन टाइप्स थ्री टाइप्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन हाँ जी वो मतलब यानी मेन मेजर दो यही हैं एक डी ओ डब्बू एच ओ बी सी टी इंटरनेशनल वाली और दूसरी डी एस एम जो कि अमेरिकन है ठीक है ये दो जेन में रखें इनके यहाँ भी जो है ना वो कर रहे हैं कि अपडेट कर रहे हैं कुछ लोग कह रहे हैं कि इनके अंदर वो इंक्लूड करें एज अ डिसऑर्डर दूसरे कह रहे हैं डिस इंक्लूड करें क्योंकि ये आर्टिकल्स बहुत ज़्यादा मैंने गो थ्रू किए क्योंकि मैं इसमें थोड़ा सा, सा लिख रहा था यंगस्टर कोट हाँ कि वो कोट करते हैं कि दिस इज़ नॉट एनी मोर दिस इज नॉट अ एडिक्शन पहली बात एडिक्शन के ऊपर बात करते हैं फिर दूसरी बात ये करते हैं चलें एडिक्शन ना भी हो एडिक्शन की वो स्ट्रेंजेंट डेफिनेशन जो आमतौर पर साइकोलॉजी में की जाती है अगर उस पर ना भी फो करता हो तो अब तो उसकी बेनिफिट्स पे जो एक ज़माने में थे ना बेनिफिट्स के मतलब बहुत आम कोड किया किया जाता था कि पोर्नोग्राफी से ना मी और बीवी के दरमियान डिस्कॉर्ड हो जाता है वो अब इस पर नई रिसर्चेज़ सो so कॉल्ड रिसर्चेजेस आ रही हैं जो कह रहे हैं नहीं ये बल्कि हेल्दी है फीमेल्स के लिए भी हेल्दी है मेल्स के लिए भी हेल्दी है यानी पोर्नोग्राफी सुबह अल्लाह यानी इस तरह की वो चीज़ें जो बड़ी हमारे कॉमन नोशन और जो हमारी बड़ी यानी एक साफ एक सिंपल एक समझदार आदमी को जाती है कि यार इसके नुकसान क्या हैं वो खुद फील कर रहा होता है हाँ ये भी वही भी मैं आपको बता रहा हूँ कि एक ना एक बिल्कुल मूवमेंट भी उन्होंने कहा था कि नो नट नवंबर वली ना एक है क्या नवंबर के महीने में ना हमने कंट्रोल करना है ठीक है ना यंगस्टर्स की अपनी मूवमेंट है तब उसमें यह हुआ कि उसमें कई ना मतलब यानी क्योंकि पॉपुलर है उस पर मीम्स हैं तो लोग पॉपुलरिटी में यह हुआ कि इवन ऐथिस्ट और नॉन मुस्लिम्स भी जो दूसरे वाले जो कि नॉन रिलीजियस मुस्लिम है वो भी बीच में उसमें इन्वॉल्व हुए तो हुआ ये कि ना वहाँ पर कुछ मैं खुद रीड कर रहा था कि एक एथिस्ट लड़के ने कहा कि कहता है कि मुझे इससे सिर्फ एक चीज़ का एहसास ज़रूर हुआ है कि दिस आई हैव एन एडिक्शन ठीक है ना बाकी चीज़ें दुरुस्त ना हो लेकिन ये जो सारी एक महीना छोड़ने से मुझे पता चला कि मैं ये प्रॉब्लम है ये प्रॉब्लम है वो कहता है कि वो क्योंकि ये चीज़ें क्योंकि इस बहस के अंदर कि ये है ये है या बेनिफिशियल बेनिफिशियल नहीं उसने उनके भी फिर ऐसा कह रहे हैं नहीं, 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 इसमें नुकसान जरूर है इससे इस इस ईडी होता है जबकि देर आर लिटरलीफ मैन बिफोर द एज ऑफ थर्टी फाइव किसी दौर में इरेक्टाइल डिस्फंक्शन जो है ना वो 55 प्लस मेन में सुना जाता अब आपको पता है कि थर्टी फाइव प्लस एज में इरेक्टाइल डिस्फंक्शन जो है वो आई थिंक मुझे वो एग्जैक्ट फिगर नहीं याद आ रहा बट काफ़ी ज्यादा बढ़ चुका है यू कैन सेफली से थर्टी फाइव के बाद ये प्रॉब्लम आना शुरू हो जाता है वाई बिकॉज एक बच्चा लेट से फोटीन ईयर में उसने काम जो है वो शुरू कर दिया अच्छा एक चीज़ मैं बताना चाहूँ कि इसको ना उन्होंने एज एन एम्पल्स प्रॉब्लम ज़रूर रिकोगगनाइज़ किया है hmm. ईवन भड़ी ऑर्गनाइजेशन hmm. ने क्योंकि वो एज एन ये एम्पल्सव डिसऑर्डर्स ये होते हैं कि उनकी क्यूज़ के ऊपर किस लेवल का कंट्रोल है बंदे का hmm. उस बेसिस पे वो है और इसलिए वो लोग चूंकि क्योंकि इसके बावजूद इनकी रिसर्च के बावजूद दरअसल बहुत ज़्यादा लोग आते हैं आ, इस इस प्रॉब्लम को लेके आते हैं लोगों आ, के पास तो इस वजह से ना वो साइकोलॉजिस्ट भी कह, कहना शुरू हो गए कि इसमें कोई ना कोई मसला जरूर है देखिए मसला है? बड़ा क्लियर है ना कि आप इतना ज्यादा कंटेंट देख रहे हैं तो आपका वो लॉस हो जाएगा इसको कहते हैं कि वो आपकी जो डिजायर है या लिबिडो हाँ लिबिडो, वो टोटल आपकी लॉस हो जाएगी यू वॉन्ट फाइंड प्लेजर इन योर पार्टनर इवन इफ यू हैव मल्टीपल पार्टनर्स यू विल अल्टीमेटली लूज प्लेजर इन देम देन यू ट्राई टू गो फॉर सम अदर थिंग वगैरह वगैरह बहुत फिर खतरनाक है इसमें ना एक और जो चीज़ मैं क्लैरिफाई करना चाहता हूँ जो रेलिवेंट है ये कहा जाता है कि डिज़ायर जो है इसको सप्रेस करना ये जो है ना इससे सप्रेस करने से नुकसान होता है और इसे हालांकि Uh, <coughs> हमारे क्लासिकल स्कॉलर्स स्कॉलरसिपन क्ययम रही होता का बड़ा क्लियर इस बारे में स्टांस है और हमारे दीगर और हमारी अहादी से भी ये साबित है टाइम नहीं है बिकॉज वी नीड टू कंक्लूड दिस सेशन एज़ वेल तो ये बात बिल्कुल गलत है आप जितना कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं देखें अल्लाह ने अगर आपको हुक्म दिया है सारी बातें छोड़ें अगर अल्लाह ने कहा ना इसको कंट्रोल करो तो इसका मतलब है कि इसका बेनिफिट है आप ये समझें कि, कि कंट्रोल करने से नुकसान होगा और आप अल्लाह माफ़ करें किसी और दूसरी डिप्रेशन या एन्ज़ाइटी की तरफ चले जाएँगे ये नहीं है इसमें खैर का पहलू है इवन ने कैम दीगर उलमा ने यह बात बड़ी क्लियरली मेन की कैन गिव रेफेंसेज एज़ वेल। वो कहते हैं कि अपनी डिजायर्स को जितना आप कंट्रोल करते हैं जितना आप दबाते हैं जितना आप उनको दबाने से मुराद सिर्फ ये नहीं कि जस्ट उनको एक डब्बे में बंद कर दिया नहीं इसका मतलब ये भी है कि इसको राइट वे के अंदर इसको जो है ना वो आप मिसाल के तौर पे उसके अल्टरनेटिव राइट मेथड्स के शादी के थ्रू उसको अगर आप टेम करें तो इफ़ यू कैन टेम योर डिज़ायर्स यू कैन डेफिनेटली डू दैट एंड यू मस्ट डू दैट और जब तक नहीं तब तक आप कंट्रोल कर सकते हैं एंड यू हैव दी एबिलिटी और अल्लाह ने आमीनी सजा रखी भाई सौ कोड़े सजा मिलनी है जिना की तो अगर इंसान कंट्रोल ही नहीं कर सकता तो फिर ये तो जुल्म हो गया आप कर सकते हैं बिल्कुल एंड तो आर सिग्निफिकेंट वेज अच्छा मैं एक और चीज़ ऐड कर दूँ कि इवन इफ अगर रिसर्च इस ये कह रही हैं कि ये एडिक्शन नहीं है आप मान लें ठीक है ठीक है एडिक्शन नहीं है मैं निकल सकता हूं बाहर इसका मतलब आप निकल सकते हैं आराम से निकले तो अच्छी तो बात है तो निकले ये तो इससे इससे ये तो प्रूव नहीं होता कि ये चीज़ हलाल होगी जायज होगी सही बात फिर तो ज्यादा आसान है निकलना अगर एडिक्शन नहीं है ऑफिशियली एडिक्शन नहीं निकले बहुत खुल के ये भी बात करना चाहता हूँ कि हमारी जो बहनें हैं ना उन्हें समझना चाहिए कि मेल जो है उसका पूरा इस सिस्टम बहुत मुख्तलिफ है डिजायर का और उन्हें अपने शोहरों को अकेला छोड़ के बहुत अरसे के लिए नहीं जाना नहीं चाहिए जाना शोहर शायद ना बता सके वो शायद डिस्ट्रेस में हो स्ट्रेस में हो कि मेरे पास एक जरिया था ऑनेस्टली ये एक जरिया है सोल्यूशन है बहुत बड़ा सोल्यूशन है अल्लाह के नबी ने फरमा दिया शादी एक बहुत बड़ा सोल्यूशन तो हम कौन होते हैं लेकिन मैंने देखा है कि बहुत सी खवीन इसको अंडरस्टैंड नहीं करती कि देर हजबेंड्स नीड दैम फॉर टू काउंटर दिस और आ, अकेला छोड़ जाती हैं बहुत अरसे के लिए रहने कहीं चली जाती हैं तो फिर मेल्स वलने इवन इवन, इवन अगर ना भी रहने तो जॉब्स की वजह से स्ट्रेस की वजह से घरेलू कामों की वजह से ना वो इन चीज़ों को ज़रा गैर अहमियत यानी कम अहमियत देती हैं कि जी मैंने ज़रा आराम करना है रेस्ट करना है और अपने आप को इतना खूबसूरत नहीं बनाती अपना बनाव संवार नहीं करती जीनत नहीं इख्तियार इस यानी यहाँ पे तो जीनत का बकायदा होकर मैं और कहते हैं कि ये अल्लाह की तरफ से नाराज़गी होती है अगर बीवी अपने शोहर के लिए तैयार नहीं होती तो ये नहीं यहाँ पर नहीं करती तो दूसरी जगह पर जाके आई exactly. थिंक ये बहुत आपने आप थी। दे थी। दे थी। बहुत आपने अहम अहम पॉइंट पॉइंट आपको है देखें शादी शुदा, शुदा के लिए बिल्कुल देखें आप ये देखें कि कितना इन्फ्लक्स है सोशल मीडिया पर और अगर किसी की मतलब यानी फॉलोइंग भी है स्पेशली ठीक है उस लिहाज से भी अगर आप देखें कि उतने फितने के चांसेस भी उनके पास आते हैं जो उनके साथ एसोसिएटेड हैं जो हलाल वे में एसोसिएटेड उनकी रिस्पॉसिबिलिटी भी उतनी ज्यादा है ठीक है और मेल्स को भी मेरी ये नसीहत है कुछ मेल्स ना दे वांट टू बी अलोन वो फिर बाहर जॉब्स करने चले जाते हैं वाइफ्स को ले जाते ही नहीं है तो वो फिर जाके ऐसे फिर फंसते हैं रसोल की हदीस है ना कि जो अकेला शीप है वो तो भेड़िया फौरन उसको पकड़ लेगा तो ये तो एक बहाना है ना कि आप बीवी से जान छुड़वा रहे हैं आप अकेला रहना चाहते हैं तो वहाँ पे भी आई बिलीव कि उन्हें अल्लाह से डरना चाहिए उन्हें अपनी बीवियों को साथ रखना चाहिए नहीं। नहीं। शादी इसलिए नहीं की कि वो नौकरानी बन जाए आपके घर की बल्कि शादी का एक बहुत बड़ा मकसद है और उसका एक मकसद है ईमान बचाना आप अपनी चैस्टिटी को जो है वो महफूज रखना और शी विल्पर जो में, नेक बीवी है वो मजीद में साथ में सबसे पहला मकसद जो शादी का ना वो ये बताया कि जिस्मानी जिसमानी सकून वलधि खला मिन अपनी वलदि खलामिनफ्बाजली इलैहा वलदीमा कहते हैं यहाँ पे सुकून से मुराद बेसिकली जिस्मानी स्कूल है और व रहमा दूसरी चीज़ है इमोशनल नीड्स के वाले से तो आपकी बात दुरुस्त है कि ये शादी के बुनियादी मकासद में से भी है कि एक दूसरे को हस्बैंड भी अच्छा ये एक और मैं बताऊँगा कई हस्बैंड ये समझते हैं कि शायद खुतिन की नीड नहीं है oh yes. ये भी ये भी एक बहुत समझने वाली बात है कि बहुत से खुतिन के ऐसे केसेस भी मेरे पास आए जो इस चीज़ से स्ट्रगल कर रही हैं बिकॉज देर हजबल टू गिव यू नो ये उनकी एक फिजिकल नीड को पूरा नहीं कर रहे तो ये दोनों साइड्स में आई बिलीव दोनों साइड्स बिलव दो जस्ट टू वाइंड अप मैं क्विकली सोलूशन पढ़ता हूँ एक तो वो उस भाई के जो निकला इससे अच्छा एक तो एक्सरसाइज हेल्प्स पर्सनली मैंने भी देखा है कि सेल्फ कंट्रोल एक्सरसाइज से बहुत आता है क्योंकि ऑब्वियसली आपका जो केमिकल है एंडोरफिन वो सेल्फ़ कंट्रोल केमिकल है वो एक्सरसाइज से रिलीज़ होता है और आप में कॉन्फिडेंस बढ़ता है एक्सरसाइज करके व्हेन यू गो आउट व्हेन यू वॉक यू गो टू जिम साइकिलिंग

एक बहुत पावरफुल मैं चाहता हूं आप लोग भी इस क्विकली कमेंट कर दें तोबा तौबा yes. तोबा अल्लाह के आगे रो पड़े बंदा कि अल्लाह है मेरे रब मैं बस नहीं आपकी नाफरमानी करना लौ चाहता लौ मैं तंग आ गए और आप ही हेल्प कर सकते हैं आप अल्लाह को इस नाम से पुकारें अलजब्बार द ओ अल-जब्बार कंपेल मी टू लीव दिस सिन अल्लाह ताला जब जब्बार जब है कंपेल करे तो कुछ भी हो सकता है तो मैं समझता हूँ कि हम तोबा सन्सेयर नहीं करते नहीं। बस वो अनकॉन्शियस एक तोबा होती आते जाते इसतफार कर लिया नहीं।, नहीं बैठ के देखें इस बात को मैं अप्रिशिएट करता हूँ जो मिरा आप तजकिया पे जो बहुत बात करता है हमारा एक ग्रोप है सूफिजम वाले कह लें उनकी एक बात मैं ये अप्रिशिएट करता हूँ कि इस पर बड़ा वो फोकस करते हैं कि पिटा के अगले को प्रॉपर कॉन्शियस करके कि नहीं तुमने नहीं। आज तजकिया करना है अल्लाह ताला से तुमने तोबा करनी है नहीं। 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 तो आई थिंक ये कॉन्शियस एक्ट ऑफ डूइंग तोबा इट हेल्प्स अ लॉट आप में रिसेंसिटाइज भी आप होते हैं आपको अल्लाह भी मदद भेजता है डेफिनेटली और आप में वो एक हया भी बाकी रहती है और वापस आती है फिर इसने कुछ दुआएं बताई हैं ये जो निकले थे इसमें से भाई उन्होंने कहा कि मैं ये दुआ बहुत पढ़ता था या ही या करीम रहमती का असली निशानी कुल्लाहु ला सुबह शाम के, के इस कार में है, वैं है वैं बहुत इम्पोर्टेंट कि मुझे मेरे नफ्स के, के हवाले ना ना एक लम्हे के लिए भी था। 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 फिर मैं पर्सनली कई लोगों को रिकमेंड किया दिस राशिदी इसकी ट्रांसलेशन के ईमान को मुजैन कर दे मेरे सीने में और कुफ़र को फिस को ऐसे गुनाहों को कराहत अंगेज नफरत ज़दा बना दे मेरे लिए यकीन करें आपको नफ़रत हो जाएगी इन चीज़ों से अल्लाह डाल देगा नफ़रत आपके दिल में दिस इज वेरी पावरफुल फिर आ, इन्होंने एक वो आ, कोट किया है कि जैसे हजरत अयूब ने कहा था ना कि शैतान शाथा। ने मुझे छू लिया ये भी आ। एक तो ना इन वो तो है ना कि शैतान ने भी छुआ है मुझे तो वो ये कहते हैं कि ये शैतान का भी एक किस्म का मस है डेफिनेटली जब आप गंदगी की हालत में हैं और उस जोन में हैं तो जैसे नेक नेकमाल करेंगे वो जोन में एंजल्स आएंगे बुरे करेंगे तो शैतिन ने का नजूल होना है सीधी सी बात तो वो बाकायदा मस है टच है उसका तो ये अल्लाह से कहेंगे अल्लाह शैतान ने मुझे छू लिया मुझे छुटकारा चाहिए मैं बेबस होता जा रहा हूँ या बेबस होती जा रही हूँ तो उसने कहा ये बहुत हेल्प करता है फिर के नाइन वेब फिल्टर का जिक्र है कंप्यूटर पर अब तो बहुत सी एप्स गई हैं अकाउंटबिलिटी तो वो आप सर्च करें मेहनत करें इस पर और उसने बहुत इंपॉर्टेंट ये कहा है कि योर स्मार्टफोन हैज़ टू तो गो स्पेशली ड्यूरिंग बेड टाइम और एट नाइट टाइम और ये वाकई बहुत पावरफुल है मैंने देखा स्मार्टफोन बहुत अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड करता है इसमें exactly. जाने के लिए वजू करके करते आ, सोएं और दो नफल पढ़ लें ये तो हज़रत बिलाज बिलासतल्ला की एक्टिविटी है जिसकी वजह से वो कहते थे कि जन्नत में शायद इसलिए मैं पहले दाखिल हूँ जो वो जो कदमों की चाहत और ए, कोई किताब पढ़ना शुरू कर दें mm -hmm. तो रिप्लेस दिस अगर मोबाइल फोन है यूर कम्प्लीटली वनरे अगर स्मार्टफोन आपके पास है और स्टॉप चैटिंग विद ऑपोजिट जेंडर इतनी डिजायर भड़केगी आपकी इसमें भड़के तो कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं इतनी चिंगारी की तरह आपकी डिजायर भड़केगी अगर आपने किसी से चैटिंग तो दिस हैज टू गो दिस डेफिनेटली हैज टू गो एंड स्टॉप फीडिंग योर लस्ट वही जो हमने कहा कि ट्रिगर्स को अपने अवॉइड uh, करना है एंड यस वर्क ऑन प्योरिफाइंग योर हार्ट एंड रिमूविंग योर करेक्टर डिफेक्ट्स वो ये कहता है कि आई रियलाइज कि ये करेक्टर डिफेक्ट की वजह से एडिक्शन पड़ गई थी मुझे uh -huh. और करेक्टर डिफेक्ट है लैक ऑफ विल पावर लैक ऑफ सेल्फ कंट्रोल ये करेक्टर डिफेक्ट uh -huh. है सेल्फ uh डिसिप्लिन -huh. या गालियाँ देना अब्यूसिव लैंग्वेज मीम्स बहुत देखना uh -huh. ये करेक्टर डिफेक्ट है तो उससे मैं इसमें पढ़ता जा रहा था तो ये कुछ पावरफुल एडवाइसिस हैं आप लोग कुछ कहना चाहें तो मैं, मैं एक ऐड करना चाहूँगा कि कोशिश करें कि वज़ू में रहें अपने आप वज़ू ब्रेक ना होने दें ऑब्वियसली जब आप ऐसी चीज में पढ़ते हैं तो आपको वजू तो ख़राब होता है में रहें, hmm. में आपको और इसमें मैं इनशाला कहूँगा कि जो खासतौर पर मैंने पहले भी कहा कि इसके बारे में इल्म हासिल करें ये हम बहुत सी ऐसी चीज़ें इसके बारे में ना हम इल्म हासिल नहीं करते अपनी इवन पोर्नोग्राफी के बारे में जो आपका मसला है ना यू शुड बी अवेयर ऑफ शैतान ये आपका मसला है मसला अगर आप नहीं करेंगे आप दूसरों पर ना लिंगर नहीं कर सकते कि वो मुझे प्लेट पर तैयार करके देंगे मुझे वन टू थ्री टिप्स बता देंगे और मैं करूँगा और वंडर्स हो जाएंगे ऐसा नहीं होगा आपको खुद क्योंकि ये चीज़ें बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंशल है बहुत सी चीज़ें हो सकता है आप बेनिफिट बेनिफिशियल बेनिफिट प्रोवाइड कर सकें हमें और आपकी तरफ से ज्यादा यानी इनपुट हो सके अच्छी हमारी तरफ से शायद हो सकता है हमारे वो लेवल ऑफ शायद चैलेंज ही ना हो हर बंदे का चैलेंज भी अलग होता है इंपल्स कंट्रोल जो है वो सब्जेक्टिव होता है और उसमें ये होता है कि जितना आपका अपना कंट्रोल है ये आपने खुद सेल्फ असेसमेंट करनी होती है इस और बस लास्ट बात मैं ये यूथ को कहूँगा कि यू आर दी ओनली होप लेफ्ट मुसलमान वेस्टर्न सिस्टम पूरा सकम कर चुका है इसके आगे वो तो कह रहे हैं बेनिफिशियल आप ही खड़े हुए अभी तक मॉडस्टी की कुछ बात आप करते तो मायूस ना करें सबको आप खड़े रहें जमे रहें रहें ना करें करें सेल्फ मोटिवेटेड अपने, अपने जो पैदा करें, उनके लिए। अपनी जनरेशन का सोचें कि नेक औलाद कैसे हो सकती है अगर हम इस गुनाह में पड़ गए आप अगर ठीक नहीं है बच्चे बच्चिया इसको बहुत सोचें यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स डोंट सकम टू योर कार्नल डिजायर्स तगड़े रहें इन ताला, ताला की मदद तलब करें हर बीमारी का इलाज मौजूद है इनशा इससे भी आप निकल सकते हैं वी uh, आर कि आप निकल सकते हैं और uh, well. yes, है, प्रोडक्टिविटी की तरफ आएं क्विट इट दैट्स आवर रिसर्च मोर ऑन इट जजा